क्या आप बिलीव करते हैं लव एट फर्स्ट साइट में या मैं दोबारा घूम गया हूं? बंटी और बबली में काम करने से मना। क्या नया होने वाला है फिल्म के सीक्वल में? 2005 की सुपरहिट फिल्म बंटी और बबली आ रही है फिर से दर्शकों के दिल पर राज करने के लिए फिल्म के सीक्वल के साथ। लेकिन इस बार फिल्म में बहुत सारे नए लोग जुड़े। पिछली बार की तरह ही रानी मुखर्जी है फिल्म का हिस्सा, लेकिन अभिषेक बच्चन की जगह ले ली है सैफ अली खान। इनके अलावा फिल्म में बंटी जूनियर और बबली जूनियर की भी एंट्री हुई, जिनका किरदार निभाया है सिद्धांत चतुर्वेदी और शाबरीन बाग ने। वैसे तो फिल्म इसी साल 26 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से अभी तक फिल्म की रिलीज डेट नहीं मिल पाई। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, और हो भी क्यों ना, आखिर फिल्म बंटी और बबली के लीगेसी को आगे बढ़ा रही है। यह एक बिल्कुल अनोखी कहानी थी जिसका निर्देशन शाद अली ने किया था। फिल्म के आज भी बहुत लोग फैन हैं, तो आइए जानते हैं फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। फिल्म में अभिषेक बच्चन के बंटी के किरदार की लोगों ने बहुत तारीफ करी थी, लेकिन इस किरदार के लिए पहली पसंद थे अभिनेता ऋतिक रोशन। लेकिन जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया तो उन्हें अपनी 2002 की फिल्म मुझसे शादी करोगी याद आ गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा प्रदर्शन किया था। क्योंकि उनका यशराज फिल्म्स के साथ का यह अनुभव अच्छा नहीं था, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि यह फिल्म तब ही बनेगी जब फिल्म को यश चोपड़ा या आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करे, पर यह संभव नहीं था। फिर अभिषेक बच्चन को रोल ऑफर किया गया और वह तुरंत मान गए। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने भी एक जरूरी किरदार निभाया। यह पहली फिल्म थी जिसमें अभिषेक और अमिताभ बच्चन दोनों बाप बेटे ने एक साथ काम किया। फिल्म में अभिषेक ने अपने पिता के काम को श्रद्धांजलि भी दी, उनके बहुत सारे किरदारों को तारीफ से पेश करके। जैसे कि एक सीन में वो अमिताभ बच्चन के अग्निपथ वाले किरदार की तरह एक्टिंग करते, जब वो मसूरी में एक होटल में चोरी करने जाते, साथ ही साथ वो उनके अमर अकबर एंथनी वाले किरदार को भी रिप्राइज करते हैं। फिल्म में बैकग्राउंड में जितने भी गाने बजे हैं सब अमिताभ बच्चन की फिल्मों के। बंटी और बबली देखने के बाद कुछ लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस तरीके से चोरियां करनी भी शुरू कर दी थी। निर्माताओं को ये तो लगा था कि इससे लोग प्रभावित होंगे, पर इस तरीके से होंगे ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। फिल्म की एक चीज से धार्मिक संगठन क्रांति शिवसेना बड़ी आहत हुई, और वो थी जब रानी मुखर्जी ने फिल्म में भगवा जामा पहना, जिसे संगठन के प्रेसिडेंट ने अपमानजनक और धर्म की अवहेलना करने वाला बताया। लेकिन बाद में फिल्म के निर्देशक ने यह बात साफ कर दी थी कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे। फिल्म के खिलाफ एक लीगल नोटिस भी जारी हुआ था। दरअसल ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन या प्रदूषण फैलाने वाली चीज का आना मना है, लेकिन ताजमहल के 200 मीटर के दायरे में शाद अली और उनके क्रू ने जनरेटर का इस्तेमाल किया था, और ताजमहल के किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई रोक लगाने की कोशिश भी नहीं की। यह बात वहां के कुछ सोशल वर्कर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने जारी करवा दिया एक लीगल नोटिस। इस फिल्म के लिए अफताब शिवदासानी और सैफ अली खान को कास्ट करने का भी सोचा गया था, लेकिन कभी उन्हें फिल्म का ऑफर ही नहीं मिला। और अब किस्मत तो देखिए, सैफ को मिल गया है बंटी का ही किरदार फिल्म के सीक्वल में।